हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आप चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हम क्या सीख रहे थे बच्चों? अभी तक हम सीख रहे थे एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एक तो आप डिग्री और एक रेडियन, ये याद रखें, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। इसमें हम एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। और बच्चों, क्वेश्चंस कुछ हमने किए थे इसके आधार पे, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बोला गया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। यानी फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों, क्या बोला गया है आपसे कि एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दी है। त्रिज्या आपको दी हुई है, कितनी दी है, देखिए ये त्रिज्या हो गई, दिस इज रेडियस जो कि 100 सेंटीमीटर है, ओके। उसके बाद 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो चाप है, इसकी लंबाई भी आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। थीटा आपको निकालना है, थीटा क्या होगा ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला पता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, है ना, चाप बटे त्रिज्या, ये होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली हम निकाल सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। डिग्री माप बोला है, क्या बोला है, डिग्री माप। तो आप किस में निकालेंगे, एंगल डिग्री में निकालेंगे, डिग्री मेजर। लेकिन यहां पे थीटा कैसे आएगा, रेडियन में आएगा, तो रेडियन को फिर डिग्री में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो नोट डाउन करो इसको, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है, ये आप यहां पे अब चेक कर लेना। तो सबसे पहले आपको दो चीज दी है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लेंगे, क्या दिया है, त्रिज्या यानी आर 100 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद दूसरी चीज चाप दी है, यानी चाप की लंबाई एल से हम डिनोट करते हैं, कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ये दो चीज दी है, थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए थीटा कितना आ जाएगा, एल कितना है आपके पास, 22, आर कितना है, 100, दो से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 11/50 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 11/50। लेकिन कोण हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिग्री में आया है, रेडियन में आया है, किसमें आया है, रेडियन, हमें चाहिए डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180/π, ये करना पड़ेगा बच्चों, तब आपका डिग्री में आ पाएगा थीटा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/50 इंटू 180/π को हम लिख सकते हैं 22/7, और 7 को मैं न्यूमरेटर में लेगा, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे जितना आपसे हो पाएगा, देखिए इसको 0 को 0 से, 11 दूनी 22, और 2 से इसको करेंगे 9, ठीक है। 9 × 7 कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 63/5, 63/5 आ गया। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्रैक्शन को आप
कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब कुछ तो डिग्री होगा लेकिन मिनट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 63 को 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 1 बज गया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 बज गया, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, 12 डिग्री, है ना, और 3/5। ये क्या आएगा, इसको 60 से अगर गुना कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो, और ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री और 36 मिनट। दैट विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया है, अगला सवाल हम करेंगे, सब नोट डाउन कीजिए, पहले लिख लेंगे इसको। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ बोर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, ये आपको बताना है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया है एक सर्कल का 40 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप लिख लेंगे जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर पता है आपको, सर्कल से पास होता है, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है बच्चों, जीवा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो कॉर्ड की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है। ये माइनर आर्क छोटी आर्क हो गई, बड़ी आर्क ये होगी। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि भाई माइनर आर्क मेजर आर्क क्या होते हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर यानी व्यास, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं हम, 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी, यानी आर, इसका आधा 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40/2, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या आ गई है, एक जीवा भी है हमारे पास, है ना, यानी कॉर्ड, जो कि 20 सेंटीमीटर की। तो बच्चों अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये अगर ट्रायंगल होता, ये अगर त्रिभुज होता, ठीक है, ऐसा कुछ त्रिभुज होता ये, है ना। अब इसका जो रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती, 20 सेंटीमीटर की होती। तो आप लिख सकते हैं यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। दिस इज
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक चीज मुझे पता लगती है कि जो इसके कोण हैं, एंगल हैं, वो सब कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री के होने चाहिए ना सारे के सारे एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। तो ये थीटा कितना बना, 60 डिग्री। तो लिख लीजिए बच्चों, कोण यानी थीटा ये है 60 डिग्री का। उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, त्रिज्या यानी आर, ये यहां पे हमने निकाली थी 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, चाप चाहिए ना, यानी एल, यही ना पता हमें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर, यही होता है फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर कर देंगे। हमें तो चाप चाहिए है ना, थीटा तो ऑलरेडी हमें पता है। तो अब इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज क्या आएंगी, थी एल इज इक्वल टू थीटा है 60 डिग्री। एक चीज और, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम थीटा को 60 डिग्री नहीं रख सकते है ना, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 60 को क्या कर देंगे बच्चों, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 63 जा यानी पाई बाय 3 आ जाएगा ये है ना, पाई बाय 3 रेडियन आपका थीटा आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई बाय 3 इंटू आर कितना है, आर आपका 20 है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चाप इज इक्वल टू 20 पाई बाय 3 है ना, ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला सवाल लिख लीजिए आप, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड रेशियो रेडियस। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे आपको दो सर्कल की एंगल दिए हैं, ठीक है, थीटा दिए हैं, और आपको क्या करना है, रेशियो बतानी है उनके रेडियाई की, त्रिज्या की। कैसे बताएंगे, तो रेशियो निकालना काफी इजी है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सर्कल हैं जिनके एंगल्स आपको गिवन हैं। एक एंगल है 60 डिग्री है ना, और दूसरा एंगल है 75 डिग्री। चलिए, जो इनके रेडियस है ना R1 R2, उनके आपको
क्या बताना है, रेशो यानी अनुपात आप फाइंड आउट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां पे जो गिवन है लिख लेंगे, है ना। तो क्या गिवन है, थीटा गिवन है, और दूसरा जो चाप है इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, चाप समान है बच्चों, सेम लेंथ की है, तो चाप क्या हो जाएगी आपकी, यानी एल एल वन इज इक्वल टू एल टू, दोनों सर्कल की जो चाप है वो समान होगी, सेम होगी, ये चीज गिवन है। थीटा वन कितना है, पहला कोण 60 डिग्री, एंड जो थीटा टू है वो 75 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये सूत्र होता है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालनी है रेडियाई की, तो रेडियाई हो जाएगा एल बाय थीटा, है ना। यहाँ पे ये सूत्र हम यूज करेंगे, तो देखिए आर वन कितना हो जाएगा, आर वन हो जाएगा एल बाय थीटा, कितना है 60 डिग्री, है ना, थीटा वन 60 डिग्री है। दूसरा देखिए आर टू हो जाएगा एल बाय 75 डिग्री, हमें पता है आर वन बाय आर टू क्या है, एल बाय 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री है बटे एल बाय 75 डिग्री, बहुत इजी है बच्चों। अब क्या करना है आपको, देखिए आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू, ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 75 बाय 60 आ जाएगा, 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 चौकी 60, 15 इंटू 5 75, तो आर वन रेशो आर टू, रेशो कितना आ जाएगा 5:4, 5:4, दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों आप इसका। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको रिवाइज जरूर करें, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।